इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा जनवासी में देवता लोग भोजन पानी किए, आवाहन हुआ, भगवान ब्रह्मा मंडल मंडप में गए, सिंहासन को सजाए, शिव बाबा को बुलाया गया, प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके ब्राह्मण देवताओं को मन से प्रणाम करके शिव बाबा आसनस्थ हुए। सखियां मेरी माँ को लेकर आई हैं, जगत जननी पारम्बा माँ भगवती पार्वती मैया की सभी लोगों ने वंदना की है। बोले पार्वती मैया की, मुनि अनुशासन गणपति पूजौ शंभु भवान, कौ सुन संशय करे जन सुरनाद दिए जान। अब ब्याह कैसे हुआ, जैसे विवाह के विधि श्रुति गाए, जैसे विवाह के विधि श्रुति गाए, महामुनि ने सो सब करवाई, महामुनि ने सो सब करवाई, गही गिरे सकुश कन्या भवानी, भवही समय जानी भवानी, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यहर से तब सकल सुरेशा, सभी लोग मानसिक आरती करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। जैसी वेद रीति थी, जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, वेद ने जैसा गान किया, महामुनियों ने सब संपन्न करा दिया, मधुपर शाखोचार आदि आदि, फिर कन्यादान, पापाकरण भी भया, विवाह, जन्म, करण छेदन, यज्ञोपवीत आदि जितने भी सत्कर्म हैं, 16 संस्कार में जो 14 संस्कार हैं, सविधि संपन्न करने चाहिए। संस्कार से जीव में श्रेष्ठत्व आवरण होता है, कहते हैं बड़े बड़े संस्कारी हैं। संस्कारी कैसे हैं, आ तो उनका उठना रहना बोलना बैठना ये संस्कार है। संस्कार क्या है, किसी भी व्यक्ति और वस्तु में किसी विशेष गुण के आधान व्यवहार का नाम है संस्कार। उठने का संस्कार, आप उठें बगल वाले को क्लेश न हो, आपका संस्कार है। आप बैठें किसी को उत्पात न हो, संस्कार है। आप खाएं आवाज न आवे, ये आपका संस्कार है। हाथ धो पाव धो फिर भोजन करें, शयन करें किसी को अस्त व्यस्त न करें, ये सब संस्कार हैं। विशेष गुण आधान हो उसका नाम संस्कार। महामुनियों ने सब करवाई है। हिमांचल जी ने बहुत सारी दक्षिणा दी, हाथ जोड़ लिया, मेरी माँ मैना ने अपराध क्षमा की प्रार्थना की है, बाबा ने परितोष किया। माँ सिखाती हैं पार्वती मैया को, शिव जी के चरण सेवा करिएगा, बाबा से कहा सेवा में लीजिएगा, बाबा ने माँ को संतुष्ट किया, सखियों के साथ माँ ने विदा किया। शिव बाबा कैलाश पधारे, देवता लोगों को अपने अपने धाम विदा किए। जब ही शंभु कैलाश ही आए,
असुर सब निज निज लोक जगत मात पितु शंभु भवा तेहि सिंहारन करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समय तब सहि कहे हर गिरिजा विहार नित नय एहि विधि विपुल तब एक बात कहनी है और सब बातें आपने जैसे भी सुनी बहुत अच्छी है, इसको और गौर से सुनिए। क्योंकि ये जो पीठ है ये संन्यास पीठ है, परंतु हमारी जो कथा है एकदम विपरीत कथा है। जगत माया है इस प्रवचन से बाहर निकलो। हे राजकुमार कथा सुन, जगत माया है इस प्रवचन से बाहर निकलो। जगत हमारी तपस्या का परिणाम है, जगत में आए हो, जो भगवान ने तुम्हें ऐश्वर्य दिया उसको देवराज इंद्र की तरह भोगने का अभ्यास करो। इस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए हमने आपने जन्म जन्मांतर बड़ा तप किया है, ये सब हमारा है, इससे बाहर निकलो, ये किसी का नहीं है। ये तो हम पुण्यशाली हैं, हमने तप किया तो भगवान की कृपा से हमको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, ये घर मिला है, ये परिवार मिला है, ये अर्धांगिनी मिली है, ये माता पिता की सेवा मिली है, ये व्यापार खड़ा है, व्यवहार खड़ा है, किसका है? अतो भगवान ने हमारे पुण्य से हमको दिया है। इसको जगत में ऐश्वर्य को क्षण मात्र भी नहीं छोड़ो, इसमें रहो, मन को समझा लो ये ऐश्वर्य परमात्मा ने हमको दिया है, यह मेरा नहीं है, ये मेरे लिए है, मैं इसके लिए नहीं हूं। मर मर के कमा लेते हो फिर कहते हो माया है, तो तुमने कमाया क्यों, तुमने बनाया क्यों? ये जो प्रवचन की विधा है इससे बाहर निकलो। यद जीवते क्षणमपि प्रथितम मनुष्य महाभारत विज्ञान शौर्य विवादि गुण समेतम तन्नाम जीवित मिह प्रवदन्ति संत काकोपि जीवत चिराजु बलिंच भुंते। चर्चा इसकी कल करेंगे। क्षण मात्र भी जगत में रहो, इंद्र जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करके भगवान की कृपा की अनुभूति करते हुए संसार में रहो, आनंद में रहो, भजनानंद में रहो, रोइए नहीं, आनंद में रहिए, ये भगवान की कृपा है। इसलिए बाबा करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समय तब सहि कैलासा हर गिरिजा विहार नित नय एहि विधि विपुल तब जन में वो खट बदन कुमारा जान सनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषा हे तुम्हें वृष के तू सुत कर चरित संक्षेप ही यह मां शंभु विबाहु दे नर नारी कही दे कल्याण काज विवाह सर्वदा काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावे हे हाँ सर्वदा सुख पावे हाँ हाँ सर्वदा सुख पावे चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावे ही पावर नय तुलसी दास किम अति मति मन। याज्ञवल्क बाबा ने भरद्वाज जी के प्रति भगवान शिव मां सेवा की कथा सुनाई। हमने आपने इस गंगा दशहरा महोत्सव पर यह प्रथम सत्र पूर्ण किया। तब तक के लिए हरे राम राम हरे राम राम राम। यहाँ के बाद सीधे ऊपर मंदिर में आरती के लिए पधारें। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।